जी दोस्तों, वापस वही समय आने वाला है शिबा इनू का, जब शिबा इनू की वैल्यू एकदम से हजारों परसेंटेज से बहुत ही फास्टली बढ़ने वाली है। जी हाँ, फिर से शिबेरियम लॉन्च की अपडेट आने वाली है, लेयर टू सॉल्यूशन लॉन्च होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी जो एंगेजमेंट है वो बढ़ती जा रही है शिबेरियम बीटा टेस्टनेट के साथ। तो ये शायद हमें अभी ना देखने को मिलता, लेकिन मार्केट में ऑर्डकॉइन अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर चुके हैं। इसी के साथ जो शिबा इनू के लीडर हैं सितोशी कोसामा, उन्होंने भी कंफर्म किया शिबेरियम और वर्ल्ड पेपर रिलीज डेट्स का। तो शिबा की वैल्यू कहां तक जा सकती है ये आपको डिटेल में बताऊंगा। इसी के साथ शिबा पेंडेंस डे के अनाउंसमेंट भी करी गई, ये डिक्लेयर किया गया है, तो पूरा वीडियो देखते रहना। और इसी के साथ जो मेन इस वीडियो में रहने वाला है, आपको 5 टोकन्स फिर से दोहराने वाला हूँ, फिर से बताने वाला हूँ कि 5 टोकन्स 5 कॉइन्स कौन सी हैं जो डॉग थीम्ड कॉइन्स हैं, और ये टॉप 5 कॉइन्स हैं जिनमें हमें सबसे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, अभी जैसे कि बुल रन आने की पूरी पूरी तैयारी लग रही है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी हमेशा पहुंचते रहें। इसी के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए कि आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉफ ट्रेड ऑफिशियल, जहाँ पे मैं आपको सबसे पहले सारी अपडेट्स देता रहता हूँ, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो शिबा का डिटेल में डिस्कस करने से पहले आपको जल्दी से 5 टॉप कॉइन्स बता देता हूँ। सबसे पहला कॉइन जो है, रैंक वाइज भी आपको बता रहा हूँ, 2013 में आया डॉज कॉइन, जो एक मीम करेंसी, सबसे पहली करेंसी थी, जिसको देखते हुए आज मीम टोकन्स अगर मार्केट में आते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर जाते हैं, सिर्फ इसी चक्कर में कि डॉज कॉइन अच्छा परफॉर्म किया था। और अभी लोग देखते रहते हैं कि अच्छा कोई भी कॉइन आए और उसमें वो इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करते ही उनका पैसा डबल ट्रिपल 10 गुना 20 गुना हो जाए। हालांकि सच्चाई ये है कि डॉजकॉइन में कोई खास डेवलपमेंट्स नहीं मिलती, खासकर अगर इलन मस्क कुछ ना कुछ इसके बारे में ट्वीट करते हैं या फिर इसमें कुछ डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, तभी एक छोटा सा मूव देखने को मिलता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, डॉजकॉइन में कोई बहुत बड़ा पोटेंशियल अभी नहीं दिख रहा। तो ऐसा ना हो कि आपने उसमें पैसा रखा हुआ है और कई साल हो चुके हैं उसी में पैसा आपका पड़ा हुआ है, तो या तो वहाँ रख के भूल जाओ या फिर अपने पैसे को किसी और कॉइन में ट्रेड करना शुरू कर दो। दूसरा कॉइन है शिबा इनू। जी हाँ, हम जानते हैं शिबा आर्मी जो है सबसे बड़ी आर्मी है डॉज थीम्ड क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर अगर हम बात करें। इसी के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दिया शिबा इनू कॉइन ने, और इसके अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर आते रहते हैं। ये NFTs के ऊपर काम कर रहे हैं, मेटावर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, डिजिटल गेमिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, अपना शिबेरियम ला रहे हैं, शिबा स्वैप है इनका, इनके इकोसिस्टम में कई सारे कॉइन्स हैं। इसका मार्केट कैप $4.5 बिलियन से भी ज़्यादा है, यही कारण है कि इसकी जो रैंक है वो टॉप 20 में आती है, और कई बार तो ये 10, 11, 12 के आसपास भी रही है, और कभी भी आ जाती है जब भी मार्केट अच्छी चल रही हो। तो ये भी डॉजकॉइन को देखते हुए करेंसी लॉन्च करी गई थी। ये डॉजकॉइन का बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव बना ही नहीं है, सिर्फ बनाया ही नहीं गया, बल्कि जो डॉजकॉइन आर्मी थी उन्होंने अडॉप्ट भी किया, यही कारण है कि शिबा की आर्मी बहुत बड़ी बन चुकी है। तीसरे कॉइन की बात करें तो यह है फ्लॉकी इनू। फ्लॉकी 2021 में आया था मार्केट में, और इसने बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करी डॉज और शिप की वजह से। तो फ्लॉकी भी एक तरीके से एक पप्पी होता है या फिर एक कुत्ता होता है, जो कि फ्लॉकी के नाम से जाना जाता है, जैसे कि एक शिप होता है। तो इस प्रोजेक्ट ने ड्यूअल ब्लॉकचेन अप्रोच लगाई, इसी के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप्स करी, जिसके साथ धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट बढ़ता चला गया, और इसने भी अपना बड़ा इकोसिस्टम बनाया जिसमें NFTs के ऊपर, मेटावर्स के ऊपर, गेमिंग्स के ऊपर, मार्केट प्लेस के ऊपर काम किया गया, और यही कारण है कि आज फ्लॉकी इनू के भी होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और इसका जो करंट मार्केट कैप है $270 मिलियन के आसपास चल रहे हैं। और अगर हम शिबा के बाद बात करें तो टॉप 3 कॉइन्स में से एक ये भी है। चौथे कॉइन की बात करें तो ये कॉइन अगेन शिबा के कुछ सिस्टम में आता है, यह बोन के नाम से कॉइन। तो बोन ज़्यादातर क्या है कि ये यूज़ होता है शिबा स्वैप के ऊपर। तो ये लॉन्च किया गया था 2021 में, जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज शिबा स्वैप का टोकन था। तो इसका मेन जो मकसद है वो यही है कि आप इससे वोटिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास बोन कॉइंस होल्ड में पड़े हैं तो आप शिबा स्वैप के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। आप एज ए दाओ यानी कि डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अपनी होल्डिंग से वोटिंग कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को गवर्नेंस का नाम दिया गया, यानी कि इसी का नाम होता है कि गवर्नेंस आप कर सकते हैं। और इसका जो मेजर यूज़ है वो शिबेरियम में होने वाला है, जो कि लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन है, जिसकी हम अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से मैं आपको 5वां कॉइन भी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि बोन की $230 मिलियन के आसपास मार्केट कैप है, यानी कि बहुत बड़ा पैसा, लगभग फ्लॉकी इनू के आसपास जितना पैसा इसमें भी लगा हुआ है। तो फॉर श्योर इसमें भी उतनी ही पोटेंशियल है जितना कि फ्लॉकी इनू में। अब 5वां कॉइन जो शायद आप सोच रहे होंगे कि ये मिस क्यों कर दिया, तो वो है बेबी डॉज कॉइन। बेबी डॉज कॉइन ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ये भी 2021 में ही आया था, जब मीम कॉइंस का एक दौर चला था, जब
डार्क थीम क्रिप्टोकरेंसीज का एक दौर चला था, तब उसी टाइम बेबी डॉज कॉइन भी आया था और इलन मस्क ने इसके बारे में ट्वीट किया। ट्वीट करने के साथ साथ क्या हुआ कि इस कॉइन ने बहुत अच्छी रैली पकड़ी और बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया सभी को। तो इस टोकन को एज ए सोशल कॉइन आइडेंटिटी भी बोला जाता है और इसका जो टोकनॉमिक्स है वो बहुत ही खास है क्योंकि ये हाइपर डिफ्लेशनरी टोकनॉमिक्स है, यानी कि लगातार इसकी जो सप्लाई है वो कम होती रहती है और डिमांड बढ़ती रहती है, जिस कारण इसकी वैल्यू भी ऊपर ही रहती है। यही कारण है कि इसका जो मार्केट कैप है 215 मिलियन डॉलर के आसपास चल रहा है और ये हमेशा हमें अच्छे प्रॉफिट देता आया है। अब हम चलते हैं मेन जो अपडेट्स हैं शिबा इनू को लेकर, जिसकी आप वेट कर रहे होंगे। तो शिबा की वैल्यू अभी 0.001 डॉलर के आसपास जा सकती है, यानी कि यहाँ से लगभग जो 3 ज़ीरोस हैं और कम हो सकती हैं। उसका मेजर रीज़न ये शिबेरियम का लॉन्च होना, जो बहुत लंबे समय से ये चीज़ अवेटेड है और यहाँ तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 12,000-13,000% का एक पंप देखने को मिल सकता है शिबा के प्राइस में, क्योंकि जो शिबेरियम बेटा टेस्टनेट के साथ जो एंगेजमेंट बढ़ी है उसी को देखते हुए अभी देखा जा रहा है कि एक नया माइलस्टोन अचीव किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ये लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन शिबेरियम लॉन्च होगा और भी ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी नहीं बल्कि ये ऑलरेडी बढ़ रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। आज के दिन में भी हमने एक छोटा सा पंप देखा और उसके बाद प्राइस में एकदम से गिरावट भी आई है, लेकिन ये सब चलता रहेगा जब तक फाइनल लॉन्च नहीं हो जाता। तो मेन जो हम वेट करें वो यही है कि शिबेरियम का मेन नेट लॉन्च हो, क्योंकि इससे पहले टेस्टनेट आया था तब भी मार्केट में बहुत अच्छा नाम हो गया था शिबा इनू का। अब फिर से जो सितोशी कोसामा है उन्होंने हिंट किया कि वो जल्द ही शिबेरियम का फाइनल लॉन्च करने जा रहे हैं। तो एक्चुअल में इन्होंने बताया कि ब्लॉकचेन फ्यूचरिस्ट कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है उसमें ये जो शिबा इनू बहुत बड़ा स्पॉन्सर बनने वाला है, क्योंकि एक ऑफिशियल हैकाथॉन होने वाला है ईथ टोरंटो के नाम से और ईथ वीमेन के नाम से, जो कि अगस्त 13 से लेकर 17 तक 2023 में टोरंटो में कनाडा में होने वाला है। और जो सितोशी के सामने वो भी पहली बार एआई के द्वारा कॉन्फ्रेंस में आने वाले और शिबेरियम की रिलीज डेट बताने वाले हैं। और तो और वर्ल्ड पेपर के बारे में भी यहाँ पर बात करी जाएगी, जिसमें एक तो शिबा इनू के जितने भी ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स हैं वो पब्लिश किए जाएंगे और उससे भी बड़ी चीज़ जो ट्रीट के नाम से टोकन है उसकी भी पब्लिश की डिटेल्स जारी करी जाएंगी। तो अगर हम बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हैं लेकिन L2 शिबेरियम जो है ये सबसे बड़ा एक इवेंट होने वाला है और शिबा इनू की 3rd एनिवर्सरी भी आने वाली है और ये होने वाला है इथेरियम के बर्थ प्लेस पे। जो शिबेरियम खुद है ये भी मल्टी मंथ का हैकाथॉन लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जिसमें शिबा थीम प्रोडक्ट्स होंगे, प्लेटफॉर्म्स होंगे, सर्विसेज होंगी, जिसमें जैसे कि शिब द मेटावर्स है, शिबेकल्स है, शिबा इटर्निटी है, शिबोशीज है, जितने भी इसके इकोसिस्टम में प्रोजेक्ट्स आते हैं वो सारे के सारे आने वाले हैं। और तो और जैसे कि यूनिफिकेशन है, पायड idea.ai है, इस तरह के जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, नए पार्टनर्स हैं वो शिबेरियम टेक के साथ यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स रिवील करेंगे। इसी के साथ जो शिबा इनू का इकोसिस्टम है इसमें डॉगी दाओ आने वाला है, शिब डॉगी दाओ फाउंडेशन आने वाला है, जिसमें दाओ के डिसीजंस लिए जाएंगे और दाओ के जो एसेट्स हैं वो होल्ड कितने किए जा रहे हैं पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। एक और बड़ी चीज़ जो सितोशी कोसामा है उन्होंने ये बोला है कि वो शिबा पेंडेंस डे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो कि खास कर जो शिबा की आर्मी है उनके लिए या फिर उनके दौलत ही ये सब कुछ हुआ है। और इसी के द्वारा क्या है कि और भी ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन लाई जा रही है दाओस के हिसाब से, यानी कि गवर्नेंस की जा रही है, वोटिंग करी जा रही है और पूरा डिसेंट्रलाइज वे में ये प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। और जैसे शिबा स्वैप लॉन्च होगा यहाँ पे अपना जो शिबा पेंडेंस डे है वो भी डिक्लेयर करने जा रहे हैं। तो शिबा पेंडेंस डे के द्वारा क्या होने वाला है कि यहाँ पे जो कम्युनिटी है शिबा की वो और भी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएगी, अपने आप के जो लीज टोकन्स हैं, शिप टोकन्स हैं, उनको आप बड़ी फीचर के द्वारा यहाँ पे स्टे कर सकते हैं और स्टे करके आप यहाँ पे लिक्विडिटी तो प्रोवाइड करोगे, आप एक बहुत बड़े पार्टिसिपेंट भी बनोगे और इसी के साथ आपको बोन कॉइन अर्न करने को मिलेगा। और बोन का आपको मैंने बताया था कि ये चौथा सबसे बड़ा डॉग थीम बेस्ड क्रिप्टोकरेंसी है। तो अभी हमारे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है लेयर टू शिबेरियम, जो अभी जल्दी लॉन्च होने जा रहा है और इसी के साथ जो बोन कॉइन है उसमें भी हमें सबसे बड़े वैल्यू का इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्द। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, लेकिन शिबा को लेकर अगर आपको कोई भी और डाउट है, कोई भी और जानकारी चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक बाकी वीडियोस भी हमेशा सबसे पहले पहुंचें और आप एक टाइमली एक्शन लेकर अच्छा प्रॉफिट भी बना पाएँ। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।